हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज है हमारे छठे मोबाइल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का रिजल्ट अनाउंसमेंट। इस बार हमें कॉन्टेस्ट के लिए बहुत ही तगड़े तगड़े फोटोज़ मिले हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी फोटोग्राफर्स ने पार्टिसिपेट किए हैं उन्होंने हमारे पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए फोटोज सबमिट किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो जैसा कि हर रिजल्ट वाली वीडियो में होता है, आप सबसे पहले पूरे फोटोज़ का प्रीव्यू देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों ने सारे पिक्चर्स देख लिए हैं, तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को पिक्चर्स कैसा लगा और हमारे फोटोग्राफर्स भाइयों का मेहनत कैसा लगा। और फोटोज़ अच्छे लगे होंगे और कॉन्टेस्ट हमारा मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी हमारे आने वाले फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, सीधे रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे इस वाले कॉन्टेस्ट के जो फोर्थ प्लेस के जो विनर है उनका नाम है दिलीप बर्मन और ये रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल के। और इन्होंने जो फोटो सबमिट किया है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा फोटो सबमिट किया है इन्होंने। फोटो क्लिक करने के लिए कितना मेहनत किया होगा, स्ट्रीट फोटोग्राफी हमारा जो थीम था उसमें परफेक्ट बैठ रहा है फोटो। और फोटो के एडिटिंग की बात करें तो सिंपल सा इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट एडिटिंग के साथ फोटो को सबमिट किया है। काफ़ी अच्छा फ्रेमिंग है, काफ़ी अच्छा कंपोजिशन है। तो दिलीप भाई, आगे भी आप हमारे फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिएगा एंड बधाई हो आपको कि आप हमारे फोर्थ प्लेस के विनर हैं। एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा आप लोगों की कि अगर आप लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जा रहे हैं, चाहे आप मोबाइल से करें या चाहे DSLR से करें, किसी भी चीज़ के लिए अगर करने जा रहे हैं, अपने ही चैनल का ले लेते हैं, अगर आप मेरे कॉन्टेस्ट के लिए स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करने के लिए डरना नहीं है। अगर आप कहीं पे भी जाके किसी पर्सन का फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन अगर पूछ रहा है कि भैया क्यों खींच रहे हैं फ़ोटो, क्या है कैसा है, तो उनको बेझिझक बताइए कि सर हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, हमको इस चीज़ के लिए, एक बंदा है जो YouTube पे फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट कराता है उसी के लिए हम फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं ताकि हम उस कॉन्टेस्ट में जीत सकें। उनको बता दीजिए, मेरे चैनल का प्रमोशन हो जाएगा, साथ में आप लोगों को पिक्चर मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमको इस कॉन्टेस्ट के लिए स्ट्रीट फोटोग्राफी और इंडियन वर्कर थीम पे ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ मिले हैं जो मोबाइल से काफ़ी दूर से कैप्चर किए गए हैं। अगर वहीं पे आप एक DSLR की बात करो तो आप जूम करके फ़ोटोज़ आराम से अच्छे से कैप्चर कर सकते हो, लेकिन ऐसा मोबाइल में पॉसिबल नहीं है। मोबाइल में अगर हम जूम करें तो फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो अगर आप मोबाइल से स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, खासकर किसी पर्सन के साथ, तो बेझिझक उनके पास जाके उनसे बात कर लीजिए पहले, अगर मैं फ़ोटो कैप्चर करना चाह रहा हूँ, क्या आप कैप्चर करवाना चाहेंगे कि नहीं। अगर वो मना कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन एक बार बात करके बिना डरे आप फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये मेरा छोटा सा टिप्स था आप लोगों के लिए, तो इस पर थोड़ा सा जरूर। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्लेस की फ़ोटो की। तो तीसरे प्लेस को जिन्होंने विन किया है उनका नाम है श्यान घोष और ये रहने वाले हैं हिंगालगंज वेस्ट बंगाल के। इनका फ़ोटो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही कमाल का और बहुत ही सुंदर इन्होंने फ़ोटो कैप्चर करके सबमिट किया है। मेरे को ऐसे फ़ोटो बहुत ज़्यादा पसंद है जिसमें नेचर के व्यू के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटी भी दिखे, तो इन्होंने वैसा ही परफेक्ट एक कैप्चर करके मैं बोलूँगा सबमिट किया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बस ये फ़ोटो में थोड़ा एडिटिंग की कमी लगी, वरना ये फ़ोटो शायद ऊपर भी जा सकता था। बाकी श्यान भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप हमारे तीसरे प्लेस के विनर हैं, आगे भी आप हमारे फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिएगा। अभी आप स्क्रीन पे दो अलग अलग फ़ोटो देख रहे हैं, दोनों ही हमारे इंडियन वर्कर थीम पे परफेक्ट बैठ रहे हैं और ये दोनों फ़ोटो हमारे फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस के फ़ोटो हैं। तो मेरे आगे रिजल्ट बताने से पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा फ़ोटो फर्स्ट प्लेस के लिए सही है और कौन सा सेकंड प्लेस के लिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो और अभी कमेंट करके बताओ कि कौन सा फ़ोटो फर्स्ट प्लेस के लिए सही है और कौन सा सेकंड प्लेस के लिए। मैं अपने हिसाब से आगे आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ।
तो दोनों ही फोटो में हमारे जो फोटोग्राफर्स है उनका मेहनत तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कि कितना मेहनत करके इन्होंने फोटो कैप्चर किया है इंडियन वर्कर थीम पे। तो दोनों ही फोटो काफी तगड़े हैं, काफी दमदार हैं। मैं काफी कंफ्यूजन में था कि कौन सा फोटो को हम फर्स्ट प्लेस के लिए सेलेक्ट करें और कौन सा फोटो को सेकेंड प्लेस के लिए, क्योंकि हमारा फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट है और हमको प्लेस डिसाइड करना जरूरी है। इसीलिए हमने दोनों फोटोज़ को कंपेयर करके जो सेकंड प्लेस के लिए फ़ोटो सेलेक्ट किया है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसको भेजा है द टाइम फ्रेजर दिलीप पॉल जी ने, जो कि रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल के। मैं कहूँगा बहुत ही शानदार फ़ोटो और बहुत ही तगड़े तरीके से इन्होंने फ़ोटो कैप्चर करके भेजा है। बहुत बहुत थैंक यू भाई ऐसा फ़ोटो सबमिट करने के लिए हमारे कॉन्टेस्ट में। अब आप समझ ही गए होंगे जो फर्स्ट प्लेस का जो फोटो है और जो विनर है वो है अजीत कुमार जी, जो कि रहने वाले हैं तेलगुड़ा चारामा के। और ये फोटो इनका जो भेजा हुआ फोटो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने भी बहुत तगड़ा फोटो कैप्चर करके भेजा है। अजीत कुमार जी के फोटो में मुझे एक इंडियन वर्कर के वर्क करते हुए मूवमेंट को फ्रीज करके फोटो कैप्चर करने का तरीका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव किया, इसीलिए इनका जो फोटो है वो फर्स्ट प्लेस पे है। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो भाइयों, आगे भी आप हमारे फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। तो दोस्तों हमारे फोटोग्राफर्स की मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी हमारे आने वाले फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। बहुत जल्दी हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।